हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय एजुकेशन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, आज है 12th ऑफ अक्टूबर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। और फ्रेंड, क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल ज्ञानोदय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट करेंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फ्रेंड, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ऐसे ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए फ्रेंड, सेशन को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले IPL के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, IPL 2021 का एलिमिनेटर मैच कल दो टीमों के बीच संपन्न हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है एलिमिनेटर मैच? देखिए, जो प्लेऑफ में पहुंची चार टीम है उसमें से दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच क्वालिफायर वन मुकाबला तो हो चुका है, और अब कल यानी कि 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर मैच हुआ है। किसके बीच हुआ है? RCB और KKR के बीच हुआ है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और RCB के बीच हुआ है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर ने RCB को 4 विकेट से हराया है। और देखिए, इसमें RCB टॉस जीतकर पहले खेलना शुरू की है और ये 20 ओवर में 139 रन का टारगेट दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स भी इनके टारगेट को अचीव करते हुए इस मैच को अपने नाम किया। देखिए, इस हार के साथ RCB रॉयल चैलेंजर बंगलुरु का सफर खत्म हो चुका है। लेकिन इस सफर में RCB की तरफ से हर्षल पटेल एक स्टार गेंदबाज की तरह उभरे हैं। देखिए, हर्षल पटेल इस सीजन के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने इस सीजन में 15 मैचों में 32 विकेट लिए हैं। और हर्षल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ड्वेन ब्रावो का भी रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं। किसके? ड्वेन ब्रावो इनके भी रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं। ड्वेन ब्रावो ने 2013 IPL के पूरे सीजन में 32 विकेट लिए थे, ये भी 32 विकेट लिए थे, और हर्षल पटेल भी इस बार के पूरे सीजन में 32 विकेट लिए हैं। और देखिए, हर्षल पटेल ने भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह ने टोटल 27 विकेट लिए थे एक सीजन में, और वहीं पे ये भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट लिए थे। और देखिए, कप्तानी के रूप में विराट कोहली का यह आखिरी मैच है। देखिए, RCB के लिए ये कप्तानी पद अब छोड़ देंगे इसी मैच के साथ, और अगले सीजन में जो मैच होगा उसमें विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में मैच खेलेंगे। देखिए, विराट कोहली 2008 से IPL खेल रहे हैं, और इनको RCB की कप्तानी पद का मौका कब मिला था? 2011 में इन्हें RCB की कप्तानी पद संभालने के मौका मिला था। किनके स्थान पर? डेनियल विटोरी को कुछ समय के लिए आराम दे दिया गया था, और उन्हीं की जगह पर 2011 में इन्हें RCB की कप्तानी पद संभालने को कहा गया था, और ये तब परमानेंट नहीं थे। लेकिन 2013 में RCB के लिए 2013 से ये परमानेंट कप्तान बन गए थे और अब तक थे, और इस एलिमिनेटर मैच के बाद ये कप्तानी पद छोड़ दिए। अब हम 2008 से लेकर अब तक के IPL के हर सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के बारे में जानते हैं। देखिए, वर्ष 2021 में हर्षल पटेल ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं, कितने? 32। और देखिए, वर्ष 2020 में कागिसो रबाडा ये सर्वाधिक विकेट 30 लिए हैं। और देखिए, 2019 में इमरान ताहिर ये 26 विकेट लिए थे, और 2018 IPL में एंड्रियो टाई ये 24 विकेट लिए थे, और 2017 में
भुवनेश्वर कुमार ये सर्वाधिक विकेट लिए थे, कितने? 23। और देखिए 2016 में भुवनेश्वर कुमार ये सर्वाधिक विकेट 26 लिए थे। देखिए 2016 और 17 इन दोनों सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक विकेट लिए थे, कितना? 23 और 26। और देखिए 2015 में ड्वेन ब्रावो ये 26 विकेट लिए थे, और 2014 में मोहित शर्मा, ये रोहित शर्मा नहीं है, मोहित शर्मा है क्योंकि ये बॉलर है और रोहित शर्मा बैट्समैन है, तो ये कितने लिए थे? ये 23 विकेट लिए थे। और देखिए 2013 में ड्वेन ब्रावो ये 32 विकेट लिए थे, और देखिए 2013 में जो 32 विकेट लिए थे इन्हीं का रिकॉर्ड की बराबरी किए हैं कौन? हर्षल पटेल। और देखिए 2012 में मोर्ने मोरकेल ये 25 विकेट लिए हैं, और 2011 में लसित मलिंगा 28 विकेट लिए थे, और देखिए 2010 में प्रज्ञान ओझा ये सर्वाधिक विकेट 21 लिए थे, और देखिए 2009 के आईपीएल सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं आरपी सिंह, इन्होंने 23 विकेट लिए, और देखिए 2008 में यानी कि पहला सीजन जो था 2008 में सोहेल तनवीर ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर थे, कितना लिया है इन्होंने? ये 22 विकेट लिए थे। तो इस प्रकार 2008 से लेकर अब तक के आईपीएल के हर सीजन के ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, पेरू की राजधानी लीमा में हुए ISSF विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 20। अभी पेरू की राजधानी लीमा में विश्व जूनियर चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने टोटल 40 मेडल हासिल किए हैं। देखिए 40 मेडल में कौन कौन से मेडल हैं? टोटल 40 मेडल हासिल किए हैं जिसमें 16 गोल्ड मेडल है, 16 गोल्ड मेडल है और 15 सिल्वर मेडल है, 15 सिल्वर मेडल है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। ये इस प्रकार टोटल 40 मेडल जीते हैं, कितने में से? 114 में से। और देखिए इसी प्रकार मेडल टैली में दूसरे नंबर पर अमेरिका है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है? अमेरिका, यूएसए है, कितने मेडल के साथ? 21 मेडल के साथ अमेरिका ने 21 मेडल हासिल किया है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं और 8 सिल्वर मेडल, 8 सिल्वर मेडल तथा कितना 8, 7, 15 और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ये इस प्रकार 21 मेडल के साथ ये सेकेंड नंबर पे है। और देखिए हमारे इंडियन शूटरों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है और कहा है कि इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहिए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी मोटिवेशनल मिले। फ्रेंड ये है हमारे इंडिया टीम के शानदार परफॉर्मेंस करने वाले शूटर जो जीत के जश्न मना रहे हैं। और देखिए भारत की तरफ से मनु भाकर ने इवेंट्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 4 गोल्ड मेडल। और देखिए इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन थी? नामिया है, इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है और इन्होंने अपने से सीनियर शूटर को हैरान करते हुए 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये कितने में? 25 मीटर एयर पिस्टल। तो इस प्रकार शानदार प्रदर्शन रहा है। और देखिए ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और देखिए इस चैंपियनशिप में टोटल 32 देशों के एथलीट शामिल हुए हैं, 32 देशों के लगभग 370 एथलीट, 370 एथलीट भाग लिए थे इस चैंपियनशिप में, और इसमें भारत नंबर 1 पर रहा है और सेकेंड राउंड पे कौन था? और सेकेंड नंबर पे यूएसए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में होने वाले किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार DRS नियम का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सीरीज, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय वनडे सीरीज, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय T20 विश्व कप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में ICC ने ये DRS नियम को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप। देखिए अभी पुरुष कैटेगरी का T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, कब से होगा? 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 14 नवंबर तक चलेगा। ये 14 नवंबर तक चलेगा। ये कहाँ कहाँ पे होगा? ये दो जगह पे होगा। ये होगा ओमान में होगा और UAE में होगा। UAE ये दो जगह पे होगा। और इसी T20 वर्ल्ड कप में ICC ने इस नियम को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए DRS नियम होता क्या है? DRS नियम पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है अंपायर्स डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन इसे शॉर्ट में इतना DRS ही बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए रिव्यू सिस्टम का प्रयोग मैच के दौरान वाइड बॉल या नो बॉल या LPW आउट या रन आउट होता है और दोनों टीमों में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक पारी में एक टीम को केवल 2 बार रिव्यू लेने के नियम है, चाहे वह किसी भी ओवर में ले सकता है। और रिव्यू सिस्टम में जूम करके दोनों के डाउट को क्लियर किया जाता है कि नो बॉल है या वाइड है, यानी कि एकदम जूम करके क्लियर किया जाता है। एक एक पॉइंट का क्लियर करके दिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और देखिए पहली बार DRS सिस्टम का इस्तेमाल कब किया गया था? 2008 में किया गया था जब भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। देखिए यह वही टेस्ट सीरीज है जिसमें विराट कोहली ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, यानी कि विराट कोहली का यह पहला इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच था। और देखिए इस DRS सिस्टम में 3 इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से दोनों टीमों को सही डिसीजन मिलता है और अंपायर को भी मदद मिलती है सही डिसीजन देने के लिए। देखिए कौन कौन से हैं, 3 इक्विपमेंट है। पहला है हॉकी है और दूसरा है हॉट स्पॉट और तीसरा है इस निको मीटर। इन तीनों टूल का इस्तेमाल किया जाता है सही डिसीजन के लिए। देखिए अब ये तीनों टूल्स के बारे में जानते हैं। पहला हॉकी, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का हाइड कैमरा होता है जो पिच पर लगाया जाता है। और देखिए ये काम क्या करता है, जब बॉल पिच पर टिप करती है और उसके बाद ऊपर को उड़ती है तो उसके ये मार्ग को बताती है कि किस दिशा में बॉल जाएगी। जैसे कि देखिए ये इस प्रकार कोई बॉलर बॉल फेंकता है और इस जमीन पर टिप करती है तो इसके बाद ये बॉल इधर को उड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्टंप होता है तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि बॉल किस दिशा में जाएगी। ऐसे फेंकने के बाद ये इधर जाती है या और स्टंप पे बीच वाले में जाती है या और बाहर जाती है पिच के, इसको यानी इसके मार्ग को बताती है। और देखिए हॉट स्पॉट, ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कैमरा होता है। इसमें 2 कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो बैट्समैन के जस्ट सामने और दूसरा बैट्समैन के बिल्कुल पीछे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बॉल को दिखाया जाता है कि कहाँ पर टच हुई है और कहाँ नहीं टच हुई है। देखिए इसमें इसका हॉट स्पॉट क्यों नाम रखा गया है, इसमें बॉल को जब जूम करके दिखाया जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे बॉल टिप करती है या टच होती है वहाँ पे एक प्रकार का स्पॉट बन जाता है, व्हाइट कलर का एक धब्बा बन जाता है, इसीलिए इसको हॉट स्पॉट कहते हैं। और इसमें जो फुटेज होती है यानी तस्वीर होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है।
ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ये होता है। और देखिए स्नोको मीटर टूल्स क्या होता है, ये एक प्रकार का साउंड डिटेक्टर होता है। देखिए इसमें साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो इससे ये पता चल जाता है कि बॉल बैट में लगी है या पैर में लगी है, इन सब के लिए ये मददगार होता है। तो इन सारे टूल का इस्तेमाल करके अंपायर को सही डिसीजन देने में मदद मिलती है।